हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और दोस्तों ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ ये इंडिया को बहुत बेसब्री से इंतजार है इसके बारे में। दोस्तों जी हाँ, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5G के बारे में। तो इससे जानकारी सारी जानकारी आज मैं आज आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। ये कब आएगा, कैसे आएगा, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों आप सभी तो अभी तो पता ही होगा कि अभी तक भारत में 5G नेटवर्क आए नहीं है, लेकिन फिर भी 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो बहुत बड़े महान कंपनियां भी हैं, दो बड़े ब्रांड है जो स्मार्टफोन से अपना लॉन्च कर चुके हैं। आपने रियलमी और वीवो का तो सुना ही होगा नाम। तो वो दो कंपनियां हैं जो कि 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जिस देश में 4G अच्छे से चलता नहीं है उस देश में 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने का क्या मतलब। दोस्तों समय से पहले 5G नेटवर्क लॉन्च होने को लेकर CMR के प्रमुख रामजी का भी कहना है कि 4G के साथ साथ 5G को लॉन्च होने का यही कारण है। ये वो लोग लेंगे जिन्हें इसमें अच्छे लेटेस्ट अपडेट पसंद होंगे, इसलिए वो अभी लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जे रियलमी और वीवो जैसे स्मार्टफोन्स ये 5G स्मार्टफोन लॉन्च क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये कंपनियां इसलिए अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए यह कंपनियां अपना मोबाइल के मार्केट में अपना जगह पक्का करना चाहता है। दोस्तों इसलिए ये अपना स्मार्टफोन सभी से अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और CMR का ये भी कहना है दोस्तों कि 2025 आने तक ये सभी के पास 5G स्मार्टफोन होंगे। अब दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 5G आने के बाद लोग ये देश में क्या क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों पहले आप आज से 10 साल पहले चले जाइए, हम लोग को ट्रांसफर पेटीएम ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो जब से 4G आए तब से हमें मनी ट्रांसफर फिर लाइव वीडियो ये सब देखना बहुत ही आसान हो गया। दोस्तों ठीक उसी तरह 5G आने के बाद हमारा काम और उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, और 5G आने के बाद हमारे देश में ये सब बदलाव हो सकते हैं। बिना ड्राइवर के कार चलेंगे दोस्तों आप फिर आप ऑफिस भी नहीं जाइएगा, फिर भी आपके मोबाइल से सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और सारी चीज़ें आप देख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों 5G आने के बाद आप तो अभी अपने मोबाइल फ़ोन पे 8K वीडियो नहीं देख पाते, लेकिन जैसे 5G स्मार्टफोन्स आएंगे आप 8K तक वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और अभी तो आपको फिलहाल 45 MB/s की स्पीड से ही आपको इंटरनेट की आपको स्पीड मिल रही होगी, लेकिन जैसे 5G आएंगे इससे 20 गुना ज़्यादा ही आपको स्पीड मिलेगी। दोस्तों मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना स्पीड आपको हो सकता है। आज झपकते पड़े झपकते दोस्तों आपको सारी मेरी कामें हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा हो तो चैनल को जल्दी से अच्छा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों मैं यहाँ पे सर बता दूँ, मैं खुद का ही कंटेंट लाता हूँ तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।